तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, हम लोग हम सहरी भी कर चुके हैं और नमाज भी पढ़ के आ गए हैं, क्योंकि लेट हो गया था इसलिए पहले आप लोगों को नहीं दिखा सके, कुछ बता नहीं सके, लेकिन अब नमाज पढ़ के आ गए हैं और भी सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर। देखो कौन है, अरशद है, अभी वो पढ़ने के लिए भी चला जाएगा अभी, क्योंकि अभी का ही ट्यूशन टाइम है और फिर स्कूल का टाइम है। तो सारे लोग आ रहे हैं अभी नमाज पढ़ के, हम पहले आ गए थोड़ा भाग करके, क्योंकि रात में लेट हो गया था। तो आपको ये जो ब्लॉग अभी आ रही है इसमें पता चल जाएगा कि हम इसकी बात कर रहे थे, कहाँ से लेट हो गया आने में। और बाकी बात तो लाइट नहीं है, वरना आपको दिखाते हैं अभी आखिर हो क्या रहा है, हम कहाँ गए थे, कल उसका ब्लॉग आ जाएगा अभी और आपको पता चल जाएगा। तो आगे की कंटिन्यू रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे ब्लॉग को, प्यार देते रहे। तो फाइनली दोस्त हम लोग इफ्तारी कर चुके हैं, नमाज भी पढ़ के आ गए हैं, अब हम लोग दुकान पे बैठे हुए हैं, अब चाय का चुस्कियाँ ली जाएगी और आगे तरावी की तैयारी की जाएगी। इसमें यही थोड़ा इस समय का समय जो है दोस्तों उस तरह का नहीं रहता है कि हम कंटिन्यू कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक समय एक तय है कि रात में 10 बजे तरावी ख़त्म होती है। तरावी जैसे ही ख़त्म होती है हम लोग घर जाते हैं, हल्का फुल्का खाना खाते हैं, सोते सोते 11 बज जाता है, 11:30 बज जाता है। इसके बाद फिर उसके बाद का जो काम होता है कि फिर सुबह 3 बजे उठना, मुँह हाथ धोना, सब कुछ करके फिर हल्का सहरी करना, फिर इसके बाद फिर सहरी करके फिर नमाज पढ़ के फिर हल्का फुल्का सोना। इस तरह से नींद नहीं पुर सकती, इसीलिए कभी दोपहर में नींद लग जाती है कभी, और थोड़ा आराम लेना पड़ता है, रेस्ट लेना पड़ता है, वरना तबीयत ख़राब हो सकती है। तो यही इसका दिनचर्या होता है रमज़ान में। बाकी बात अदर दिन तो आप ऐसा भी पढ़ना तो चाहे तो ऐसा पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। तो अब अगर आप 7-8 बजे आप 8-8:30 बजे आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है, अगर दुकान है दुकान बढ़ाए अपना सो के जा करके, तो अभी का वो वैसा नहीं होता है, अभी थोड़ा सिस्टम अलग रहता है, इसलिए थोड़ा परेशानी होती है हम लोगों को। अब परेशानी नहीं, अच्छा भी है, इसमें कुछ नया मिलता है सीखने को समझने को, तो ये बात है रमज़ान में। रमज़ान का बाबरकत महीना है तो इसमें थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा अल्लाह से कुछ लेने के लिए, आसानी से थोड़ी कोई कुछ देने वाला है तो अल्लाह क्यों देगा आपको आसानी से कुछ। तो कुछ लेने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, तो वो मेहनत इबादत है, तो सभी को इबादत करना चाहिए चाहे वो जिस धर्म में है, हर एक धर्म में इबादत है, फास्टिंग है, पूजा है, हम लोगों में नमाज है, तो अपने हिसाब से सबको जीना आज़ादी है, वो सब तरह जिए और करे। तो इसी तरह ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, इसके बाद हम लोग ऐसा के बाद लास्ट वीडियो शूट करते हैं, इसके बाद उसको एडिटिंग करके डाल देते हैं ताकि सुबह आ जाए। थोड़ा परेशानी होता है अभी टाइमिंग की, क्योंकि अगर लेट हो जाती है तो नींद नहीं पुर पाती है, फिर दिन में सोना पड़ता है, ये सब थोड़ा बात होता है। देखिए दोस्तों चाय आ गई और ये चाय डाल रहा है अल्तमस, वो चाय दिया दादा को, अब दादा पिएगा चाय और हम पियेंगे चाय। ये देखिए चाय पकड़ लिए, ये ये क्या नाम है, ये साकिर था और इधर हम कैमरे के पीछे, अब आपको इधर से दिखाते हैं। ये दोस्तों चाय आ गई, अब हम लोग चाय पियेंगे लास्ट, इसके बाद फिर ऐसा की अजान हो जाएगी थोड़ी देर में, फिर ऐसा का अजान के बाद हम लोग तरावी पढ़ने चले जाएंगे। मज़े क्या लेंगे, तरावी पढ़ने चले जाएंगे, इबादत के मज़े लेंगे। आप लोगों को भी इबादत करना चाहिए और अहतमाम करें सबसे ज़्यादा, कि आलिमों ने कहा है कि इस महीने का अहतमाम करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और दूसरी बात यह है कि तरावी में जो हमारे एक इमाम साहब हैं पंजाब के, उन्होंने कहा था कि वो जो तरावी सबीना तरावी होती है वो नया नया वर्जन है, लेकिन सही तरावी जो है हम इसी तरह पढ़ सकते हैं, तो सही तरावी ही पढ़ना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ आगे के वीडियो में कंटिन्यू। तो दोस्तों घर आ गए, अब खाना खाएंगे और लेटेंगे, सोएंगे, यानी कि लगभग 10 बज चुका है, टाइम कितना हुआ,
टाइम पता नहीं चला लेकिन 10 बज गया है दोस्तों हम लोग को आते हुए वहाँ से तरावी पढ़ के। तरावी पढ़ने में 2 घंटा लग जाता है 8 बजे से लेके 10 बजे तक। इसके बाद फिर हम लोग हल्का खाना पीना खा के सोते हैं।